हम लोग को पढ़ना था नंबर सीरीज के बाद, वैसे हम लोग पीछे वर्णमाला पढ़ के आ गए, लेकिन एक बार पुनः क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्विक रिवीजन, इसे साथ कहते हैं फ्लैशबैक जाना, पीछे जाके पूरी चीजों को पढ़ते हुए फिर पुनः आगे आना। क्योंकि आप सबकी मुलाकात मेरा शायद कुछ लोग का पहला दिन भी हो सकता है, कुछ लोग का दूसरा, कुछ लोग का तीसरा, और कुछ लोग तो लगातार टेस्ट के साथ ही मेरे साथ फेस हो रहे हैं, और कुछ लोग तो और पहले से ही फेस हो रहे हैं। ठीक, लेकिन और हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अपने कदम को और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग जानते होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर या 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक, उसमें भी कुछ वॉवेल होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं ना। चलिए अब आगे देखते हैं, A B C D E F G H I, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यह अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट है। आप सोचिए हम लोग क्यों, आप लोग की उम्र इतनी हो गई, आप लोग को फिर पुनः ABCD पढ़ना पड़ रहा है। यह आपका दुर्भाग्य या सौभाग्य है यह मैं नहीं कह सकता, किंतु यह अभी तक हम लोग ABCD जो पढ़ते आ रहे थे वह नॉर्मली वे में केवल ABCD के रूप में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन आज इसका प्रयोग अब हम लोग सीखेंगे कि इस ABCD का प्रयोग भी हम लोग किस तरह से या किस माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें क्या होती है, नंबरिंग होती है। ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी पे क्या है, डी पे क्या है, इसकी क्या करनी है आप लोग को, नंबरिंग करनी। जैसे अपनी कॉपी भी करिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये लिखना नहीं है, इसे पूरा याद करना है। कोई अल्फाबेट बोलिए आप। हाँ जी, 7 पे है, और हाँ यस 19 पे है, हाँ यस 8 पे है, हाँ जेड 26 पे है, डब्ल्यू 23 पे है, आर 18 पे, क्यू 17 पे, पी 16 पे, हाँ यल 12 पे, के 11 पे, ऐसे आपको रखा, टी 20। ठीक, और अच्छा हाँ, ये तो सीधा याद करने का है, ये अल्फाबेटिकल सीधा याद करना, ये आपको याद करना है। जैसे मैंने याद किया, रट्टा मारा है, आपको भी रट्टा मारना है, और रट्टा मारने के लिए कुछ चीज़ें जरूरत पड़ेगी, वह मैं आपको दिलाते रहूँ। देखिए कोई चीज़ याद करने से याद नहीं होता, मैंने भी याद नहीं कि इतनी बात प्रैक्टिस कर डालिए अपने आप रट जाए। तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है कि ए और बी में क्या डिफरेंस है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सरिता जी आप बताएं, द डिफिनेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में क्या अंतर है? अभी कमान दो, ए पहले आता बी बाद में आता है ना, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। ए वॉवेल है, बी कॉन्सोनेंट, ए वॉवेल स्वर है और बी व्यंजन, माने अंग्रेजी वर्णमाला जो शुरुआत तो होती है किससे होती है, स्वर से होती है, वॉवेल से होती है, उसके बाद कॉन्सोनेंट आता है। कितने हैं वॉवेल, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल अंग्रेजी वर्णमाला में, ए ई आई ओ यू। ठीक, और आगे बढ़े हम लोग, इसको याद करने का तरीका है, इजोटी याद कर डालिए आप, क्या इजोटी, ई माने 5, जे माने 10, ओ माने 15, टी माने 20, वाई माने, ये आप याद कर डालिए, माने रट्टा मार दीजिए आप, 5, 10, 15, 20, और याद करने का तरीका देखते रहिएगा। अरे बाप रे बाप, ए से लेके यफ देखिए, यफ पे पहले आते हैं, यफ कितने पे है, यफ कितने पे है, इसका मुंह अगर पैक कर दे तो कैसा दिखेगा, 16 हो गया, माने यफ 6 पे, पी 16 पे, समझ में आया। जी के पेट में चाकू मार दीजिए, इसे सी बना है, पेट में चाकू मार दिया, कितना बन गया 17, कितना बन गया 7। अब क्यू के पेट में चाकू मार दिया, कितना बन गया 17, जी 7 पे, क्यों 17 पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब लिखते, चलिए तेजी से लिखिए क्योंकि हम समय कम है, 33 दिन बचे हैं, 33 दिन बाद शुभ मुहूर्त है आपकी जिंदगी का,
सरकार अभी तक अपने किसी फैसले से पलटी नहीं है, हमें अपना काम करना है। हमारा लक्ष्य 6 जनवरी, 6 जनवरी कितना प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को कि पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे आपसे नाम से लिस्ट शुरू होना शुरू हो, माने जब लिस्ट बने आपकी ज्वाइन लेटर तो शुरुआत आपसे ही हो। ठीक, चलिए ये हो गया। अब आगे यच, यच को दोनों से पैक कर दिया, यच क्या हो गया 8 और एक टांग ऊपर कर दिया 18, आर 18 पे यच फॉर 9, आई आई का क्या हो गया 9, यस का 19, हाँ यस का 19। ठीक, टी फॉर 2020 मैच, टी फॉर 2020 मैच, अब तो देखे होंगे हमको थोड़ा कभी समय नहीं मिलता कि मैच देख लूँ, कभी मूवी देख लूँ, अब सोचते हैं नौकरी मिल जाए जिंदगी में, तो इकट्ठा ही सब काम करना है। हमें आगामी 5-10 साल से जो है देख ले, चलिए देख ले, अच्छी है, आप लोग देख के बताइएगा। अब ये बहुत दिन हम देखते होते नहीं मूवी, टाइम ही नहीं मिलता, हमको लगता है कि 3 घंटे मूवी देखेगी 3 घंटे हमारी एक किताब खत्म हो जाएगी। चलिए बताते कौन सी किताब, हाँ ये हो गया, ये हो गया ना, और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं के पास 2 टांग निकला हुआ है 11, यल का टांग तोड़ दीजिए 12, 13 पे यम, यम इसका टांग तोड़ दीजिए ऊपर कर दिए पलट के डब्लू 23 पे, के पे 11, यल पे 12, यम 13 पलट दिया डब्लू 23, ठीक है ना, हो गया। यू के देखिए के का टांग ऊपर कर दिया, के का टांग ऊपर कर दिया, यू हो गया 21, दोनों टांग सटा दिया कितना हो गया 22 ना, ये हो गया, समझ में आया। आगे बढ़े, अब ये पूरा आपको याद करना, इसके साथ ही जैसे ही आप करके खाली होंगे आप उसके बाद इसके उल्टी नंबर याद करनी होगी, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इसका ट्रिक क्या याद करने का, कोई अक्षर पूछिए अब उल्टा बताएंगे हम, यू 6 पे, आर 9 पे, 26 पे, जेड इधर उधर से है, आगे हाँ एच 19 पे, कैसे निकालते पता है, मैंने यम इधर से 12 पे क्या है उल्टा सीधा, उल्टा जाएंगे वो हो जाएगा सीधा में 12 पे यल होगा। चलिए कैसे निकालते पता, उल्टा 27 पे घटा दीजिए, जैसे पूछा इन्होंने पूछा यू इधर से यू कितने पे 21, 27 में से 21 गया उधर से 6 पे, समझ में आया। और कोई डिजिट लीजिए, यच उधर से 8 पे, 27 में से 8 गया 19, उधर से यच 19 पे, इधर से 8 पे, ठीक। एक तरफ से याद कर लीजिए, उल्टा अपने आप याद हो जाएगा। टी 20 पे टी है, उल्टा देखिए 27 में से 20 गया उधर से 7, समझ में आया। तो ये वर्णमाला याद करने का तरीका था, आपको कैसे याद करना वो आपकी जिम्मेदारी है, इसको पूरा आपको रट्टा मारना है, क्या करना है रट्टा मारना है, उसके बाद ही अगली क्लास आपकी हम लगा पाएंगे। लेकिन फिर भी हम इसमें से कुछ बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा क्या है कैसे है। ये तो एक टाइप हो गया, इसी में एक टाइप और पूछा जाता है, दाएं से बाएं से के दाएं के बाएं, एक होता है दाएं से और एक होता है बाएं से, एक होता है के दाएं और एक होता है के भाएं, दोनों समझ लेते के दाएं क्या होता है के भाएं क्या होता है। ये नंबरिंग पूरा आप लोग लिख लिया ना, याद कर लीजिएगा, बिना याद के नहीं होगा। अगर हमें पूछे दाएं से तो एक, अच्छा हाँ, हिंदी जो वर्णमाला है या हिंदी जो लिखी जाती है उसकी लिपि क्या है, किधर से किधर लिखी जाती है, और अंग्रेजी वर्णमाला रोमन है, इसे भी बाएं से, तो बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है,
बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा, हाँ यक्स, ये समझ में आ गया। अब ध्यान सुनिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं के 18वें अक्षर के बाएं अक्षर कौन सा है? दाएं के 18वें अक्षर के बाएं, क्यों कैसे इसको समझा रहे समझ लीजिए। ये पूरा लिख लिया नंबरिंग, ये देखिएगा, मैंने लिखा ए बी सी डॉट 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 यल यम यम यन ओ डॉट डॉट पूरा। अगर कहा दाएं से तो किधर से बढ़ेंगे? बाएं से, सॉरी ये हो गया, और इधर से आए तो क्या हो गया? ये बाएं से और ये, लेकिन अब यहां आते हैं, यन के दाएं कौन है? यन के दाएं और यन के बाएं, ठीक, इसको कहते हैं ये केवल बाएं होता है बाएं से, और ये केवल होता है, इसको कहेंगे के बाएं, इसको कहेंगे, ठीक। प्रश्न लिखिए, इसको लिखिए, प्रश्न बोलना है, इस पे प्रश्न पूछता है, 5 मिनट और। इन सबके जिंदगी का जो है ये 36 दिन सबसे महत्वपूर्ण है, 37। चलो ये हो गया, हाँ प्रातःकाल 9 बजे से ये हो गया। क्वेश्चन लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से अठारहवें अक्षर के दाएं चौथे स्थान, दाएं के चौथे स्थान के ठीक बाएं कौन सा अमर होगा या कौन सा अक्षर होगा? के बाएं के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा? यू आ गया ना, हाँ बाएं इधर से बढ़ेंगे, कहां तक आए? 18 4 18 4 के दाएं जा रहे हैं ना, 22 बाएं आए कम, यू यू है ना, ठीक समझ में आ गया ना। अरे सीधा सीधा 18 गए प्लस 4 के दाएं माने 4 ठीक बाएं माइनस 1 कितना आया? 21 21 में क्या है? यू हो गया। थोड़ा सा घुमाए, अभी सरल बोले ना, चलिए लिखिएगा, घुमाया थोड़ा सा, अरे एक लाइन और लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 14वें अक्षर के बाएं से 14वें अक्षर के अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के ठीक दाएं दूसरा अक्षर कौन होगा? या कौन सा होगा?
ठीक दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? कोई बी, कोई सी, कोई डी? ठीक, क्या आएगा? डी। अरे किताब से बोल, थोड़ी देर बोल दे, खत्म बोलो। पूछिए, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के कई अक्षर? 14 अक्षर गए। कैसे लगाते हैं पता है? ये बिना पेन उठाए आप लोग लगा सकते हैं, खाली कॉन्सेप्ट दिमाग बन जाए। बाएं से माने इधर की तरफ गए, कितना गए? 14। फिर बाएं माने माइनस, कितना? माइनस 12। दाएं माने प्लस 2। 12 में 14, 12 का 2 प्लस 2, 4 पे क्या है? डी। अब एबीसीडी लगाएंगे या जोड़ घटाव लगा दिया? हाँ वही बात। पूछे रहे, बोल रहे, बोल रहे, अभी उल्टा ही जा रहे। हाँ दाएं से। ठीक आगे लिखा जाए। आगे लिखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 16वें अक्षर, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 14वें अक्षर, के दाएं 4वें अक्षर के, ठीक दाएं 4वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर होगा, 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 बताइए आप लोग। हाँ बताइए, नहीं बताएं तो लगेगा ही। क्या आएगा देखते हैं, लगाया जाए। क्या है बताइए? चलिए दाएं से, दाएं से इधर 16 है, इधर 16 है, ठीक ध्यान दीजिएगा, इधर 16 है। हाँ और अब क्या किया? के दाएं माने वापस जा रहा है, वापस जा रहा है, माइनस उधर वापस जा रहे हैं ना। हाँ वापस गए 4, फिर पांच, फिर बाएं, बाएं मान इधर के बाएं, के बाएं फिर पांच अच्छा आएगा। 16 5 21 में 4 गया 17, उधर 17 पे क्या है? जी है, जी जी तो है। तब के दाएं बोल रहे हैं जी, ये बताइए दाएं से 16 करा है ना, तो दाएं से 16 26 माइनस 16 करेंगे 10वां अच्छा आएगा ना। दाएं से मैंने जेड शुरू करी, 16 अक्षर गिनिए, दाएं मन इधर से आइए, पहले साल को लास्ट में घटाइए ना, शुरू में घटाएंगे फंस जाएंगे। पहले जेड से आए आप 16, फिर 4 उसके दाएं गए, फिर 5 उसके बाएं आए, जिस अक्षर पे आए उस अक्षर का मान क्या होगा? उधर से 17 हुआ, इधर से 10 हुआ, तो जे देखिए वापस यार उसी तरफ। ठीक समझ में आया कॉन्सेप्ट? बस क्या नहीं काटो बोले, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस, क्योंकि मेन है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम इसे रट्टा मरवाएंगे। नहीं आया, देखिए दाएं माने जड़ से शुरू करके आए 16 अक्षर, 16 अक्षर तक आ पाए,
फिर के दाएं माने वापस उसी की तरफ जा रहे, जेड की तरफ, चार वापस हो गए। फिर उसके पांच बाएं माने बाएं दाएं, इस देखिए के बाएं माने इधर आना, दाएं माने इधर जाना। जब इधर से दाएं से आते हैं तो बाया प्लस होता है और दाया, दाएं माने वापस जा रहे उसी तरफ, बाएं माने प्लस पांच माइनस चार प्लस पांच, सोलह में चार गया ग्यारह, ग्यारह पांच सॉरी सोलह बारह, बारह पांच सत्रह पे क्या उधर से जी हो गया। समझ में आया आप लोग को? कभी कभी इसके प्रथम अर्धांश पलट देते हैं, उसके बाद जो गत्यो छोड़ देते हैं, उसका भी ट्रिक है, लेकिन मुझे नहीं लगता टेट में आपके पूछेंगे कितना हाई लेवल का। आगे बढ़े, दूसरे पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है? क्या हुआ?